कुढ़नी उपचुनाव पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाकर लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीता है। हम इस हमले में ज्यादा खुलासा मीडिया के सामने नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सभी मामलों की समीक्षा होगी और हम लोग आपस में बैठकर महागठबंधन के नेता भी समीक्षा करेंगे। आखिर वजह क्या है? हालांकि हम बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं, लेकिन फिर भी हार हार होती है। उनसे जब पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जनता के हिसाब से सरकार को चलाना चाहिए, उन्होंने कहा कि यह उनका बयान होगा, सुझाव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अनिल सहनी क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महागठबंधन के सभी नेता इस पूरे मामले पर विचार करेंगे और पूरे हार की समीक्षा होगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने जो परिणाम दिया है, कुढ़नी की जनता, उसका हम स्वागत करते हैं। और राजनीति का पहलू होती है हार जीत, लोकतंत्र का पहलू है। हारने से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हारने जो गिरता है वही संभलता है, और आगे हम लोग बेहतर कैसे करेंगे इस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। और जो महागठबंधन के हमारे जो भी साथी हैं उनके साथ हम लोग समीक्षा करेंगे, और नीचे स्तर पर भी जो हम कुढ़नी के जो हमारे संगठन हैं उसका भी हम समीक्षा करके फीडबैक देंगे। चूक कहाँ पे? नहीं ना, मैंने कहा कि इसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे, विश्लेषण कहीं जो भूल हुई हो, चूक हुई होगी, इसका विश्लेषण हम बाद में अपने प्लेटफॉर्म पर करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग मीडिया के साथ ही से बात करेंगे। लेकिन अभी जो है जनता जो फैसला सुनाया है उसका हम स्वागत करते हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है कि उम्मीदवार की इमेज को लेकर के क्या सही में वहाँ विरोध था, लोगों ये मानते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार का हम विश्लेषण करने के पक्ष में भी नहीं, हम यही आपको बताना चाहते हैं कि महागठबंधन के सभी साथी जो हमारे घटक दल के हैं, सभी साथी के साथ भी हम बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। जो आप तो इसमें जो भी हमको कहना है वो अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी तो फिलहाल जो जनता फैसला सुनाया है उसका स्वागत करते हैं। अच्छा, अनिल सहनी जो है इस्तीफा की क्या बात होती है? हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में कोई शक है क्या? उन्होंने जो बिहार की ऊंचाई दी है, बिहार के जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने विकास के नई आयाम खड़ा किया है, समझे, इसमें कोई किसी का दो राय है क्या? भाजपा वाले जी की जो हथकंडा अपना कर चुनाव जीते हैं इस पर क्या बुलवाना चाहते हैं? वो जो हमारे जो लोग हैं, जो जनता है, जनता को सही रास्ते से भटकाने का उन्होंने जो काम किया है भाजपा के लोग, और उस पर हम लोग इस चीज़ का नोटिस नहीं लेते। आपके सहयोगी हैं अनिल सहनी, वही ये बात कर रहे हैं जो वहाँ से पहले विधायक थे। देखिए, अभी कोई भी अपनी विचार रखते हैं, और हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो घटक दल के जो लीडर हैं, जो शीर्ष लीडर नेतृत्व करते हैं, उनकी कोई मतलब आता है, उनकी कोई राय आती है, तब हम लोग उस पर बात करते हैं। हमारी जो महागठबंधन है वो तमाम एकता के साथ हम लोग हैं, चट्टानी एकता के साथ है। कोई खींचतान नहीं है, कोई खींचतान नहीं है, आप लोग भरोसा रखिए। और जान लीजिए, इससे ज्यादा भाजपा के लोगों को खुशी होने की जरूरत नहीं है। अरे, बहुत कम मामूली अंतर से हम चुनाव हारे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जिस तरह से वो चुनाव जीता है, जो हथकंडे अपना कर, वो तो सब लोग जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं किस तरह से, मानी लोकतंत्र का ये हत्या है। इस तरह की बातें हम क्या कहेंगे मीडिया के साथी को? लेकिन हम लोग जो वो भ्रम फैलाते हैं, जो उस तरह की बात करते हैं, वो सिर्फ बीजेपी में। एक लास्ट सवाल, हिसाब से हमें चलना होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही। देखिए, सब लोग का अपना अपना प्लेटफॉर्म पर रखने का, सब लोग का, हम भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे, तो उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं और जो भी घटक दल के हमारे अंदर में भी हमारे पार्टी के साथी हैं, उनके साथ भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, बैठेंगे प्लेटफॉर्म पर, अंदर और बाहर में भी हमारे जो भी महागठबंधन के साथ हैं उनसे राय विचार करके। नीतीश कुमार जनता के हिसाब से नहीं चलते थे, अपने मन से चलते थे उपेंद्र? मैं अभी इसके विश्लेषण में नहीं, लेकिन आप इतने जानिए कि हमारे नेता सर्वमान माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो बिहार में जो विकास किया है ये कल्पना नहीं कर सकते। आज देश एक उम्मीद के साथ उनको देख रहा है, ये चुनाव हार जीत से इसको नहीं जोड़िए, देश पर देखिए, देश के स्तर पर देखिए, बिहार में जो विकास किया है, हमारे नेता को वोट की चिंता नहीं रहती, वोटर की चिंता हमारे नेता करते हैं। उनके सुख में कैसे हो, वो कैसे खुशहाल हो,
उसके हमारे नेता चिंता करते हैं, उसके लिए समर्पित हैं, संकल्पित हैं, बिहार के लोगों के लिए संकल्पित है कि बिहार के विकास कैसे हो, बिहार के लोग खुशहाल कैसे हो, इसके लिए हमारे हमने कहा कि कोई भी लीडर हमारे लीडर उन्होंने कोई सुझाव दिया, हमारे कोई भी लीडर सुझाव देते हैं तो उसका विश्लेषण हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, बात करेंगे, उन्होंने कोई राय दिया है तो समझे। अब इस पर हम कुछ विशेष नहीं कह सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।